यार ना जाम आगे लगा हुआ है लिंक्सी रोड, आप देखो लोग साइड भी नहीं दे रहे यार। क्या बंदा यार ये एक्सप्रेसो, क्या कौन सी गाड़ी है? एम्बुलेंस को हमेशा ना साइड दे देनी चाहिए। और कुछ ये गाड़ियों वाले ना ऐसे ही म्यूजिक लगा के चलते रहते हैं, साइड ही नहीं देते। ओ भाई ये क्या कर रहा है, कौन से कट मारा है एम्बुलेंस के आगे से? मैं पेशेंट है यार, शायद सोरा हॉस्पिटल में ही है जा रहे हैं। जो पैसेंजर वाली गाड़ी होती है ना वो हमेशा ना जो भी ड्राइवर वगैरह होते हैं वो साइड देते हैं पहले से ही, जो पर्सनल होती है ना ये ना हमेशा ना साइड नहीं देते, कुछ को पता ही नहीं होता, माइंड में लगाते नए नए जो ड्राइवर होते हैं। राइड करने वाले हैं बाइक के साथ, एंड बाइक की लुक में अल्लाह की कसम सच में क्या बताऊं आपको, ओहो ये मतलब राइडर के लिए भाई दिल खुश कर रहे हो। राइडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास जैकेट होना चाहिए, ऐसा भाई राइडिंग गियर जरूरी है खुद की सेफ्टी के लिए। पीछे देख रहे हो क्या लुक है भाई, पीछे लुक बताओ ना अपनी, इनका पीछे बाहर की बात ये चेक करो भाई, एक और अपना ना यूट्यूबर यहाँ पे मिल गया है। फॉलो मत करना और चैनल सब्सक्राइब मत करना, फॉलो भी नहीं करना। और वालेकुम सलाम, आपसे ठीक है? अलग से आप ठीक हो? अच्छे से ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, वेलकम कश्मीर। चल रहे हैं आपके साथ, जहाँ आप बोलोगे वहीं हम लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख कब? हाँ अभी तो निकली, तो निकले बैग लेकर लगाऊंगा भाई, मैं क्या लगाऊंगा रात को से हमने कर रहे सोनामर्ग में चल रहे हैं ना अभी से, बोर गया यार पहले बताना चाहिए था फिर आपको यार ये जाने वाला। रात को हम श्रीनगर में ही रुकने वाले हैं, यहाँ आगे गांधरबल वाली साइड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इधर रुकेंगे। सर आपका सफर, सफर इधर देखो ना यार, अरे ये सफर है भाई, ये देखिए भाई, ये सारा ना चिकड़ ऊपर चढ़ा हुआ है पीछे से मड गार्ड होने की ना वजह से। वेलकम बैक टू द व्लॉग, कैसे हम अपनी होप सभी मस्त हो गए और होने भी चाहिए एकदम, तो आपका भी एकदम मस्त है। तो अभी हम फाइनली पहुँचेंगे श्रीनगर, श्रीनगर से अभी हम लेंगे पर कंगन, तो कल का जो भी रहेगा प्रोसेस देखा जाएगा। अभी फिलहाल ये अपने रहमान भाई भी आ गए यहाँ पे, वो भी मिल चुके हैं, तो यहाँ पे अपनी ये रही बाइक, ये चेक करो अभी कुछ, ये चेक करो यार, और ये रही अपनी बाइक, और ये रही रहमान भाई की बाइक। तो पहले यहाँ से निकलेंगे, सीधा मिलता हूँ मैं आपको बाइक के ऊपर। तो अभी हमने वापस न्यूट्रल लिया, अभी चलते हैं हम कंगन, रात को हमारा स्टे होने वाला है कंगन में, तो अभी रहमान भाई भी आगे तक हमारे साथ चलने वाले हैं। तो ये तो नहीं चल रही है, बोल रहे कल आना है मैंने, चेक करो इधर कितना तगड़ा व्यू है यार, यहाँ पे रुकना था बट अभी टाइम बहुत कम है, हमको निकलना है वैसे कंगन वाली रोड, वो रोड ना उसके ऊपर पता नहीं जाने भी दिया जाएगा आगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे इस रोड के ऊपर ना ट्रैफिक बहुत है, और आगे वाली जो रोड है उसके ऊपर भी हमें कुछ किलोमीटर 10-12 किलोमीटर तक ना बहुत है ट्रैफिक मिलने वाला है। ओ भाई, ओ भाई ये क्या, ये क्या था, ये क्या था भाई, ये अगर डॉगी आ गया ना बाइक के आगे तो सीधा ही क्रैश हो जाना है। पीछे ना एम्बुलेंस आ रही है तो पहले से ही साइड दे देते हैं। यार ना जाम आगे लगा हुआ है लिंक्सी रोड, आप देखो लोग साइड भी नहीं दे रहे यार, क्या बंदा है यार ये एक्सप्रेसो, क्या कौन सी गाड़ी है? एम्बुलेंस को हमेशा ना साइड दे देनी चाहिए। और कुछ गाड़ियों वाले ना ऐसे ही म्यूजिक लगा के चलते रहते हैं, साइड ही नहीं देते। देखो आगे कितना ट्रैफिक है, हमेशा जो पैसेंजर वाली गाड़ी होती है ना वो हमेशा ना जो भी ड्राइवर वगैरह होते हैं वो साइड देते हैं पहले से ही, जो पर्सनल होती है ना ये ना हमेशा ना साइड नहीं देते, कुछ को पता ही नहीं होता, माइंड में लगाते नए नए जो ड्राइवर होते हैं। आगे तो सारी रोड क्लियर ही है, हल्का हल्का ट्रैफिक है, अभी तो आराम से चली जाएगी। मारुति वाले क्यों बजाने लगे, ऐसे भी हिली हुई है तेरी गाड़ी पीछे से। भाई ये क्या कर रहा है, कौन से कट मारा है एम्बुलेंस के आगे से?
एम्बुलेंस में पेशेंट है यार, तभी ना शायद सोरा हॉस्पिटल में ही है जा रहे हैं। आप इधर तक ही हो? ठीक है फिर, कल निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ कल आ जाओ फिर आप। इंशाल्लाह हम राइड करने वाले हैं भाई के साथ, एंड भाई की लुक में अल्लाह की कसम सच में क्या बताऊं आपको। ओहो, ये मतलब राइडर के लिए भाई दिल खुश कर रहे हो। राइडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास जैकेट होना चाहिए ऐसा, माशाल्लाह भाई राइडिंग गियर जरूरी है खुद की सेफ्टी के लिए। भाई के पीछे देख रहे हो क्या लुक है भाई, पीछे लुक बताओ ना अपनी, इनका पीछे बाल की बात करो। ठीक है ठीक है, कल आ जाना फिर, चलेंगे आगे इकट्ठे करेंगे राइड। ठीक है निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। ओके ओके, लव यू टू। ओके ओके, सो रहमान भाई यहाँ से निकल चुके हैं अपने रूम की तरफ, और अभी हम निकलेंगे कंगन की तरफ। ऐसा ना टाइम काफ़ी हो चुका है और ऊपर से बारिश का मौसम भी है, और थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो लेट हो जाना है। आगे यात्री वगैरह भी है यार, वहाँ पे ना रोड का भी इशू रहता है, तो क्या पता रोड छोड़ेंगे या कुछ रोक भी सकते हैं तो वापस, इसलिए पहले ही जल्दी चले थे, अगर जाने दिए तो ठीक, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। वैसे शाम के टाइम यात्री वगैरह तो नहीं छोड़ेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ऊपर ना कैंपिंग की हो ना फिर मज़ा ही कुछ और है। भाई हमारा प्लान चल रहा है कैंपिंग का, आज तो कैंसिल हो गया है, तो देखेंगे यार अगर हो पाया तो कल मे भी रात को नाइट को। यार व्यू कितना ऑसम लग रहा है यार, क्या एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ है यार, ये चीज़ें किसी ने नहीं आपको दिखाई होंगी यार, देख रहे हो। और एक बार ये ऊपर से बादल छाए हुए यार, कितने ऑसम लग रहे हैं। ये ऑटो वाला कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, मजे में चला रहा है गाड़ी, और हमें रिएक्शन मिल रहे हैं बहुत ही ऑसम वाले। यहाँ पे पूरा दिन भी अगर आप बाइक चलाओगे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, गर्मी तो होती नहीं है इतनी, तो टेंशन नहीं होती। जम्मू में ना अगर आप 10-20 किलोमीटर पहले नंबर तो आपको अंदर से निकलने का ही नहीं मन करेगा, तो अगर राइड पे जाओगे भी तो जैसे ही रुकोगे ना तो पसीना निकल जाता है यार। बट यहाँ पे जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही गंदी होती हैं, बट फिर भी सही है यार, कश्मीर का मज़ा ही मज़ा है यार। चेक पोस्ट, वैसे ना एक चीज़ मैंने देखी है, जब कैमरा लगा होता तो कोई भी चेक पोस्ट वाले नहीं रोकते ना पूछते कुछ भी, अगर कैमरा ना हो तो ना पहले ही हर एक जो नहीं भी पूछने वाला वो भी पूछेगा। इस तरह की लोकेशन पे अभी हम पहुंचे हुए हैं, चेक करो यार व्यू कितना ही ज़बरदस्त तरह से, और ना अभी ट्रैफिक कम ही है यार, शाम के टाइम का आने का इस रोड पे ये फ़ायदा है। और ये लौंडा चला रहा है बाइक, और अभी ना हम पहुंचे हैं हाईवे के बीच, और यहाँ पर शायद मैं भी रोकें। ऐसा जब कैमरा हो तब कोई नहीं रोकता, कैमरा ऑन हो कोई नहीं रोकेगा, कैमरा जिसके पास नहीं होगा ना गोप्रो लगा हुआ उसको ना हर एक रोकता है। और व्यू चेक करो गाइस, ले 400 किलोमीटर, तो यहाँ से आके ना ले 400 किलोमीटर है। बादल छाए हुए हैं, वैसे थोड़ी थोड़ी बारिश जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है, हमारे साथ साथ ही चल रही है बारिश। वैसे वे टू ले लद्दाख, तो फाइनली गए अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। ये चेक करो, चाय गर्मी होती है ठंडी थोड़ा होती है। शहजाद भाई कह रहे हैं कि चाय पी रही है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे रुके थे, जगह का नाम मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सी जगह है, और यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ की चाय पी है, 85 रुपये की चाय। भाई छोड़ बाकी चीज़ें, यहाँ पे खोलते ढाबा। मैं सीधी सी बात शाहजान भाई को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हम भाई दोनों करते हैं शादी, हमें मिल जाएगा डॉक्टर वगैरह, तो भाई आराम से बिजनेस चलेगा यार, फिर तो भाई हम आया भी रह सकते हैं हर महीने में। और क्या, एक कप 50 रुपये में, दिन में कितने निकलेंगे, 200-300 तो निकल ही जाएंगे है ना। खोलें फिर, मैं परेशान हो गया। खोलें फिर, खोलो भाई खोलो, करते हैं प्लान फिर, पहले लड़की ढूंढो। छोटा सा ना एक शूट यहाँ पे हुआ है, जो इंस्टाग्राम की रीलें हमने बनाई है, कुछ फोटो शूट किया है, और अपना कैमरामैन मयूर के साथ ये जिस तक गांदरबल में आता, अभी हम सोनामार्ग वाली साइड जाएंगे ऊपर, तो ये देख लो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। हाँ, इस ब्रिज के ऊपर ना हमने शूट किया है, जो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाके चेकआउट जरूर करना। तो अभी चलते हैं सीधा ही रूम में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 6 साल में बुक किया हुआ है, तो रूम में चलेंगे, तो सीधा मिलता है मैं आपको रूम के बीच। तो क्या है,